दोस्तों, कल रात हमने यहीं पे गुफा के अंदर बिताई है और आज सुबह हमने पंच स्नान करके और अपना साफ सफाई करके और जो हमारा स्लीपिंग बैग और अनदर सामान है उसे हम यहीं छोड़ेंगे और आगे अपनी यात्रा शुरू करेंगे ब्रह्म कमल के लिए। दोस्तों, आगे की यात्रा के आपको विजुअल्स, केवल आपको विजुअल्स दे पाऊंगा तो, क्योंकि रात भर सुबह तक काफ़ी बारिश यहाँ लगातार होती रही और आज सुबह जैसे कि पूरी अच्छी एक क्लाइमेट यहाँ बन चुकी है और सूर्य देवता ने दर्शन करा दिए हैं। और एक बार मैं आपको बता दिखाता चलूँ पूरा लोकेशन, कितना खूबसूरत ये लोकेशन है। अभी मैं जिस हाइट पे हूँ, मुझे लगता है ये 12,000 से 13,000 फीट की हाइट पे है और हम और आगे चढ़ाई करेंगे लगभग 14,000 फीट पे, 14 से 15,000 फीट पे। देखते हैं, आगे की यात्रा शुरू करते हैं। चलिए, जय हो पांडव देवताओं की, जय हो पर्वत देवता। पूजा गुजाल सिंह हम पहले वैर बिल लफूं पूजा वैर बिल लफूं दिवा जय फैला जय पांडव देवताओं की। तो हेलो, नमस्कार और सैमनी दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रोंग पार्पो में। आज है फुलारी का दूसरा दिन और दोस्तों, फुलारी के लिए हमने यात्रा काफ़ी देर से शुरू की क्योंकि कल रात भर यहाँ बारिश होती रही और सुबह का आलम ये था कि पूरी धुंध की चादर हमारे आसपास खड़ी थी। और क्योंकि दोस्तों रास्ता काफ़ी दुर्गम था और चट्टान से पत्थर गिरने का भय था, तो हमने थोड़ा सा अपनी यात्रा जब तक कि धुंध नहीं छट जाती तब तक थोड़ा सा इंतज़ार किया। और दोस्तों, जब भी हम पहाड़ चढ़ते हैं तो एक भूमि पूजन की परम्परा रही है और ऐसा ही हमने धूप बत्ती करके पर्वत देवता से एक बार उनकी परमिशन ली है कि हे पर्वत देवता, हम आ रहे हैं, हमें आप आने दें। जय हो पर्वत देवता, मौसम साफ कर दे भगवान और परमिशन दे दो पर्वत देवता। जय हो। और जैसा कि दोस्तों कहा गया है कि भगवान तभी हैं जब उनके भक्त हैं, और यानी कि दोस्तों, मानो तो भगवान है और नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। और हमें पर्वत देवता को मानने का यह सिला मिला कि मौसम खुलने लगा और धुंध भी छटने लगी। और दोस्तों, आगे आप वीडियो में देख पाएंगे कैसे कई कठिनाइयों से जूझते हुए हम आगे बढ़ते रहे और कठिन चुनौतियों को पार करते रहे। और हमेशा की तरह जहाँ पे फुलवारी होती थी उस बगीचे में हमें फुलवारी नहीं मिली। अब क्योंकि दोस्तों, जहाँ हम खड़े हैं वो देवभूमि है और देवभूमि के पग पग पर देवताओं का वास सुनिश्चित है। तो दोस्तों, जहाँ भी हमने कठिनाई महसूस करी वहाँ पे हमने आराध्य देव, फैला पंचनाग और हमारे पांडव देवताओं को आवाज लगाई, तब तब हमने चुनौतियों को पार करने में सफलता पाई। और दोस्तों, रास्ते की कठिनाई इस बात से लगा सकते हैं कि जहां पहाड़ 30 डिग्री एंगल के साथ थी वहीं धीरे धीरे स्टिप होती रही और जाके 45 डिग्री का एंगल लेने लगी। अब क्योंकि दोस्तों, जैसे हमें निर्देशित किया गया था और ऊपर से लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने का भय था, तो हमने डिसाइड किया कि एक भाई आगे चलता और दूसरा उन नंगी पहाड़ों को निहारता कि कहीं पत्थर ना आए, और उसके बाद पहले भाई रुकता फिर मैं चलता।
जैसे कि दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं जो एंगल है पहाड़ का वो 45 डिग्री का हो चला है। और मखमली बुग्याल दोस्तों पथरीला हो चला है। और दोस्तों पथरीले बुग्याल के साथ यदा कदा हमें झाड़ी नुमा वृक्ष भी साथ में मिलते रहे और हल्के फुल्के बादलों की ओर में हम आगे बढ़ते रहे। और दोस्तों फुलारी यानी कि ब्रह्म कमल के लिए गमसाली से 4 बंदों को भेजा जाता है जो कि 2 अलग अलग दिशाओं में भेजी जाती है। दोस्तों एक टीम में 2 व्यक्ति रहते हैं। और दोस्तों जिस फुलारी हम जा रहे हैं वहाँ पांडवों का एक बाड़ा है यानी कि बगीचा है जो कि दोस्तों दूसरे फुलारी के सापेक्ष थोड़ा सा नज़दीक है लेकिन रास्ता थोड़ा सा दुर्गम अवश्य है। अब दोस्तों हम उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे फुलारी यानी कि ब्रह्म कमल के बगीचे को हम निहार सकते हैं। जैसा कि हमारे साथ परु भाई हैं वो इससे पहले इस फुलारी में आए हैं और दोस्तों उनका तजुर्बा यही कहता है कि फुलारी हम पहुंचने वाले हैं। और दोस्तों अभी जैसा कि आप लैंडस्केप से देख पा रहे हैं अभी जो एंगल है वो लगभग 45 डिग्री से भी ऊपर हो चला है यानी कि नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। मोदी खेन भाई छत्ता कौन का तो जा रहा हूँ हाँ वो मिल पार्क मिले सी मेरे पास और दोस्तों जैसा कि इससे पहले परु भाई एक या दो बार आ चुके थे और दोस्तों उनके अनुसार फुलारी में जाने के लिए हमें ये नाला जो हाल फिलहाल में बना है उसे पार करके बाड़े में पहुंचना है। तो दोस्तों हमने भी धीरे धीरे रास्ता बनाते हुए उस चुनौती को पार करने के लिए इस नवनिर्मित गदेरे में उतर जाते हैं। तो दोस्तों हमने फिर से वही फॉर्मूला अपनाया पहले जैसे कि एक भाई आगे बढ़ता है तो दूसरा थोड़ा सा रुक के ऊपर पत्थर की ओर निहारता है और जब एक भाई आगे बढ़ जाता है फिर दूसरा अपनी यात्रा शुरू करता है। दोस्तों जैसे तैसे हमने इस बर्फीली नाले को पार करने में सफलता प्राप्त कर ली है और एक बार इस नंगी चट्टान को पार करने के बाद हम पहुंचते हैं पुनः बुग्याल में। अब दोस्तों जो ये बुग्याल बनी है वह जो है पत्थर के ऊपर है यानी कि चट्टान के ऊपर और जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों जो स्टिफनेस है यानी कि जो एंगल है पहाड़ का वो 45 डिग्री से भी आगे बढ़कर लगभग 50 डिग्री या 60 डिग्री हो चुका है। और जैसा कि हमें परु भाई ने बताया कि हम जो है पांडव बाड़े के नज़दीक आ चुके हैं और दोस्तों यहीं से ऊपर हमने इन घासों को पकड़ पकड़ के
पांडव बाड़ी में पहुंचना है, जहां हमें ब्रह्म कमल के दर्शन होंगे। अब क्योंकि दोस्तों मुझे पहले से ही निर्देशित किया गया था कि कैमरे मूवमेंट यानी कि वीडियोग्राफी को थोड़ा सा लिमिट में रखना है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम हैं देवभूमि में और रास्ता भी विकट। और दोस्तों साथ ही साथ अपनी सेफ्टी भी हमें रखनी है। और दोस्तों फिर भी मैंने कोशिश करी है आप तक पहुंचने की, और थोड़े बहुत रॉ फुटेज के साथ आपके लिए मैं तैयार कर पाया हूं। और दोस्तों जैसे तैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे, और परु भाई के अनुसार जब वो 3 साल पहले यहाँ आए थे तो फुलारी यहीं पे थी, यानी कि ब्रह्म कमल यहीं से खिलने शुरू हो गए थे। लेकिन इस बार उन्हें यहाँ ब्रह्म कमल नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने और ऊपर चढ़ाई करने की ठानी। और दोस्तों ब्रह्म कमल की खोज में हम नंगी चट्टान तक पहुँचने वाले हैं। और दोस्तों भले ही हमें अभी असफलता मिली हो, लेकिन हमें अपने पांडव देवताओं और इष्ट देवताओं पर विश्वास है। तो दोस्तों उसी विश्वास को हमने आज अजमाने की सोची, और एक पुकार हमने लगाई ऑफ रिकॉर्ड कि हे पांडव देवता, अगर आप में शक्ति है तो अपनी शक्ति दिखाओ, और आपके दिशा निर्देश के अनुसार पहला जो ब्रह्म कमल मिलेगा उसे तोड़ना नहीं है, बल्कि उसकी पूजा अर्चना के लिए जो भी आपने टीका और प्रसाद दिया है उसे चढ़ाना है। और उस पहले ब्रह्म कमल से पूजा अर्चना के बाद और ब्रह्म कमल तोड़ने की परमिशन लेनी है। और दोस्तों आपको ये बता दूं कि जैसे हमने पांडव देवताओं को याद किया, उसके 20 से 25 सेकंड के बाद हमारे बड़े भाई परु भाई ने जो है ना एक ब्रह्म कमल पहला ठीक पहाड़ के नीचे एक इकलौता ब्रह्म कमल हमें दिखाई देता है। और दोस्तों इससे ये प्रूफ हो जाता है कि अगर भक्त हैं तो भगवान भी हैं, यानी कि अगर आप मानते हैं तो भगवान जरूर हैं। वाजी का ओ जय मोगे ले जय पांडव देवता, शक्ति दिखाओ, माता शक्ति दिखाओ, दिखा दिया है, दिखा दिया शक्ति, दिखा दिया। जय पांडव देवताओं की जय फैला। जय फैला, जय पांडव देवता। हाँ फाइनली दोस्तों बड़ी मेहनत और पांडव देवताओं के आशीर्वाद के बाद हमें जो है काफ़ी दुर्गम रास्ता चढ़ने के बाद जहाँ अमूमन पहले मिल रहा था वहाँ नहीं मिल रहा है। तो पांडव देवताओं के आशीर्वाद से, पर्वत देवता के आशीर्वाद से हमें पहले ब्रह्म कमल के दर्शन हो गए। ये और दोस्तों एक अपडेट ये है, जैसी हम हिम्मत हार चुके थे कि हमें अब ब्रह्म कमल मिलेगा नहीं, तो जैसे ही हमने आह्वान किया पांडव देवताओं की कि अपनी शक्ति दिखाओ, तो उसके बाद हमें जो है पहला ब्रह्म कमल मिल चुका। जय पांडव देवताओं की, जय भूमियाल फैला देवता की, जय पंचनाग, जय पर्वत देवता। और दोस्तों हमें पहला ब्रह्म कमल मिलने के बाद
जैसा हमें निर्देशित किया गया था पांडव देवताओं द्वारा, हमने जो शक्ति चिन्ह रूप हमें छड़ के रूप में मिला था उसे हमने ब्रह्म कमल के सापेक्ष रखकर उसकी पूजा अर्चना साथ में करनी थी। तो दोस्तों, थोड़ा सा राहत की सांस लेने के बाद हमने अपनी पूजा अर्चना प्रक्रिया शुरू कर दी है। और दोस्तों, इस बार हमें काफी ब्रह्म कमल के पौधे ऐसे मिले जिन पे फूल सूख चुके थे या तो तोड़े गए थे। अब क्योंकि दोस्तों इस बार पांडव नृत्य का मंचन लगभग एक हफ्ते बाद रहा, तो हो सकता है समय थोड़ा सा निकल गया हो या ग्लोबल वार्मिंग इसके पीछे एक रीजन भी हो सकता है। और दोस्तों, जब तक हमारी पूजा होती है तब तक मैं आपको एक अपडेट और बता दूं, क्योंकि दोस्तों हमें निर्देशित किया गया था कि जब भी आप पहाड़ों में ऊंचे कंदराओं में जाओगे और कुछ भी अगर खाते हो, सबसे पहले प्रसाद के रूप में उसे चढ़ाना है, चाहे आप कुछ भी खाते हैं। जैसे कि आप रोटी खा रहे हैं तो रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा आपको चढ़ाना है, और फल खा रहे हैं तो फल का भी एक टुकड़ा आपको चारों दिशाओं में चढ़ाना है, उसी के बाद आप ग्रहण करें। तो दोस्तों, हमने भी उसी नियम कानून को पकड़े रखा, जिस कारण हमें ब्रह्म कमल के दर्शन हुए। और दोस्तों, एक वाक्य मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि पूजा अर्चना के बाद परु भाई ने मुझे एक सेब प्रसाद के रूप में दिया था, मैंने उस सेब को चखा और खाया, और उसके बाद जो डंठल बची थी उसे मैंने दूर फेंक दिया। और हमें निर्देशित किया गया था कि झूठा पीटा नहीं करना है, यानी कि कुछ भी अगर आप खाते हैं तो आप नीचे आके खाइए, इवन प्रसाद भी। और दोस्तों, उसके बाद हम फोटो शूट करने लगे ब्रह्म कमल के साथ, एक सेल्फी टाइप का हम लेने लगे। और दोस्तों, उसी पल हमने महसूस किया एक छोटा सा पत्थर हमारे ठीक पीछे ऊपर से आके गिरा, लेकिन जो पत्थर की आवाज़ थी हमें पत्थर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। तो उसी पल परु भाई ने हमें आगाह किया कि कुछ दोष लग गया है। तो क्षणिक देरी न करते हुए हमने सभी देवी देवताओं से और ब्रह्म कमल और पर्वत देवता से माफ़ी मांगी, और पांडव देवताओं की पूजा के लिए ब्रह्म कमल ढूंढने के लिए हम आगे बढ़े। लेकिन दोस्तों, हमें यहाँ भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। सबसे पहले जहाँ फुलारी थी वहाँ फूल नहीं थे, और जहाँ हम पहुँचे वहाँ पे एक ब्रह्म कमल हमें मिला, जो वापसी में पांडव देवताओं के लिए ब्रह्म कमल जो हमें लेके जानी थी वो हमें नहीं मिली। तो दोस्तों, पुनः हमने पांडव देवताओं का आह्वान किया कि हे पांडव देवताओं, हमें नए ब्रह्म कमल के बगीचे के लिए रास्ता दिखाओ, ताकि हम आप लोगों के लिए 2 से 3 ब्रह्म कमल तो लेके आए। और आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों, यहाँ भी हमें निराशा हाथ नहीं लगी, और नया बगीचा जाने का रास्ता पांडव देवताओं के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुआ, और लगभग 100 की संख्या में हमें ब्रह्म कमल प्राप्त हुए, जो कि बताते हैं दोस्तों अब तक का ये इस बगीचे का रिकॉर्ड था।
अब दोस्तों पांडव देवताओं के आशीर्वाद से हम नए बगीचे की तलाश में निकल चुके हैं ताकि हमें पांडव देवताओं के लिए कुछ न कुछ ब्रह्म कमल मिले। और हमने रास्ता चुना और भी ऊंचा जाने की, और भी ऊंचे हाई एल्टीट्यूड एरिया में जाने की। दोस्तों शायद ये रास्ता पांडव देवताओं के ही दिशा निर्देश के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। रास्ता दुर्गम जरूर है लेकिन हिम्मत हमने हारी नहीं है, क्योंकि पांडव देवताओं की कृपा दृष्टि हम पे बनी हुई है और ये चीज़ हम जानते हैं। और दोस्तों इस धार को जैसे ही हमने पार किया तो बड़े भाई परू ने मुझे बताया कि दो ब्रह्म कमल मुझे दिख रहे हैं जो कि पांडव देवताओं को वापस जाते समय हम पूजा के लिए लेके जा सकते हैं। जय पांडव देवताओं की। लेकिन दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने जब इस नए बगीचे को निहारा तो पाया दो नहीं माता कुंती, कम से कम कई जोड़ों में, कई संख्या में ब्रह्म कमल हमें दिखाई दिए। और इसी बीच हमारे उत्साह का ठिकाना नहीं रहा और मन ही मन हमने पांडव देवताओं और हमारे आराध्य भूमायल देवता, फैला देवता और पर्वत देवता को याद किया और उनका धन्यवाद अर्पित किया। जय हो जय भगवान। तो इस प्रकार से दोस्तों फुलारी का जो ये लेसन है ये हमें जिंदगी भर याद रहेगा कि हमने कितनी भी चुनौतियां आ जाए, सामने भी पहाड़ हो, लेकिन सीना तान के हमने हिम्मत नहीं हारनी है और जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है। और इस मुश्किल घड़ी में हमने अपने आराध्य देवों को याद करते रहना है और जरूरत पड़ी तो एक पुकार भी लगानी है, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें आज प्रूफ भी हो चुकी हैं और इसके साक्षी आप जो मेरे श्रोता हैं वो भी बने हैं। अब क्योंकि दोस्तों कई सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ मैं आपको ये वीडियो फुटेज दे पा रहा हूँ जो कि थोड़ा रॉ नेचर में लग रहा है, लेकिन मुझे आशा है कि आपको फील पूरी ब्रह्म कमल और हमारे संघर्ष की आ रही है। अब क्योंकि दोस्तों जहां हम अभी विचरण कर रहे हैं वो हाई एल्टीट्यूड एरिया है और जो चट्टान है वो लगभग 70 डिग्री तक खड़ी हो चुकी है और हमें तीन हाथों से चलना पड़ रहा है, यानी कि दो पैर और एक हाथ का सहारा लेके हमें इस चट्टान के ऊपर चलना पड़ रहा है। और वो कहते हैं ना दोस्तों, दूध का जला छाछ भी फूँ फूँ के पीता है। और जैसे कि दोस्तों हमारे हाथ में अभी ब्रह्म कमल है और साथ में जो ये लोकेशन है पिक्चर परफेक्ट लोकेशन है, लेकिन हम मजबूर है कि सेल्फी भी नहीं ले सकते,
क्योंकि दोस्तों सेल्फी लेने का एक खामियाजा हम पहले ही भुगत चुके हैं, वो देवभूमि में हम नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों आप लोगों के लिए जो भी फुटेज मैं लेके आया हूँ वो रॉ फॉर्म में है। राम, और अभी दोस्तों जो एल्टीट्यूड है सी लेवल से लगभग 15,000 से 16,000 फीट के हाइट पे हम खड़े हैं। हाँ भगवान बहुत दे दिया। हाँ, जहाँ एक भी नहीं मिला था वहाँ पांडव देवताओं के आशीर्वाद से, पर्वत देवताओं के आशीर्वाद से, पहला देवता के आशीर्वाद से बहुत मिल गया। अब चलते हैं दोस्तों वापसी की ओर, और क्योंकि दोस्तों जिस फुलारी हम गए थे वहाँ अमूमन कम ही ब्रह्म कमल मिलते हैं, लेकिन इस बार हम 100 की संख्या में रिकॉर्ड ब्रह्म कमल लेके जा रहे हैं। और दोस्तों बाकी ब्रह्म कमल जो हमारे दो साथी कल लेके आए थे वो लगभग काफ़ी सारे ब्रह्म कमल लेके आए हैं, क्योंकि वो रास्ता काफ़ी दूर था, लेकिन वहाँ ब्रह्म कमल का बगीचा काफ़ी बड़ा था, तो इस कारण पांडव देवताओं के लिए ब्रह्म कमल की कमी नहीं होगी। और दोस्तों वापसी के दौरान एक बार पुनः नवनिर्मित ग्लेशियर पॉइंट से हम गुजर रहे हैं, जहाँ की रास्ता हमें खुद तैयार करना पड़ रहा है। और क्योंकि दोस्तों हम अभी वापसी की ओर हैं तो हमारी स्पीड अब दुगनी हो चली है। और दोस्तों वीडियो फुटेज से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि रास्ता कितना दुर्गम है, और जो चट्टानें हैं स्टीप 70-80 डिग्री पे खड़ी हैं। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप पांडव देवताओं और हमारे ईष्ट देवताओं पे विश्वास रखते हैं तो आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी। आपकी रक्षा के लिए वो हमसाया रहते हैं, और आपको कहीं भी आभास नहीं होगा कि हमें दिक्कत महसूस हो रही है। लेकिन आपको संयमित होके चलना है, और जो दिशा निर्देश पांडव देवताओं द्वारा दी जाती है उसे 100% आपको निभाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से दो नालों को पार करने के बाद अब हम कर लेते हैं थोड़ा सा रेस्ट। अब क्योंकि दोस्तों हम सुबह से ही व्रत में हैं तो थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे जलपान के रूप में पानी को ग्रहण, और ऑन कैमरा आपके साथ होते हैं रूबरू। अभी दोस्तों फूल लेके हम जो है वापसी की ओर हैं, और रास्ता थोड़ा सा जरूर टफ है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, हम नीचे से आए थे, यहाँ से चढ़ते हुए ये गदेरा पार करके ये दूसरे गदेरे पे यहाँ से चढ़े थे ऊपर, ये पूरा
मैं जब यहाँ भ्रम कमल एक पूजा के लिए मिला, इसके बाद भ्रम कमल के लिए हम इस चोटी पे आए और यहाँ हमें खूब सारे भ्रम कमल मिले पांडव देवताओं के आशीर्वाद से, हमारे भूमियाल देवता कैला के आशीर्वाद से और कैला पंचनाग देवता के आशीर्वाद से और पर्वत देवता के आशीर्वाद से। दोस्तों अभी हम हैं वापसी की ओर, अभी एक से डेढ़ घंटा हमें फिर लगेगा गाँव पहुँचने में, तो चलते हैं। अभी हम कर रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट क्योंकि हमारे जो स्लीपर्स हैं ये भी पूरे फट चुके हैं। देखिए दोस्तों, क्योंकि जूता पहन के इस शुभ कार्य में अलाउड नहीं है, परमिसेबल नहीं है, तो हम ये कपड़े का जो ये धागे का एक सॉक्स पहन के आए थे, लेकिन सॉक्स जो है हमारा सब हमारे देवताओं के आशीर्वाद से संभव हो पा रहा है। एक जगह जब हमें नहीं मिला तो हमने आवाज़ लगाई अपने देवताओं को, पांडव देवताओं को, तो फिर एक पूजा के लिए मिला, लेकिन जब पूजा के लिए जब हमने फिर कहा कि भगवान पांडव देवताओं शक्ति है तो और दिलाओ, तो स्वतः ही रास्ता जो है दिखाया, नहीं तो हम यहाँ से आए थे यहीं से नीचे आ जाते, लेकिन उन्होंने मार्ग दिखाया और यहाँ रास्ते लिए आए। पूरा बगीचा ये जो है ब्रह्म कमल का हमें यह दिखाई दिया। तो दोस्तों चलते हैं आगे रास्ते की तरफ, आगे बढ़ते हैं वापसी की ओर। और दोस्तों पब्लिसिटी के लिए वीडियो बनाना मेरा मकसद नहीं था, अन्ना कभी रहेगा। और कहते हैं कि दोस्तों देवभूमि में भगवान खुद अपना सारथी चुनते हैं, एक इंटरनल सोर्स काम करती है और आपको स्वतः ही आभास हो जाता है कि आपने ये काम करना है। और दोस्तों मुझे ये सौभाग्य मिला जिसे मैं बखूबी आज निभा पाया हूँ, और हमारे आराध्य देव फैला पंचनाग और पर्वत देवता और पांडव देवताओं की एक जो संदेश और आस्था की कहानी आप तक पहुँचानी थी, जिसका एक मैं जरिया मात्र हूँ। बना था चाटीज हम तो बना था ना मधेशन भाई है बेबा दौद है यहाँ जी कौचो दे यहाँ कौन जवान पान हो जवान पान हो जवान पान दुआन पार दी हम तो हूँ हम तो
लाग भी था हाँ थोल गिर गया लाग भी टेका चल लक्कल भी वजन ताप हो तो दोस्तों तीन ग्लेशियर पॉइंट पार करने के बाद अब जो ये पथरीला बुग्याल है वो 70 डिग्री स्टीप हो चुकी है और हमें तीन पैर से चलना पड़ रहा है या तीन हाथों से चलना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों सेटिस्फेक्शन लेवल एक अलग लेवल पे हमारी पहुंच चुकी है। जो चुनौतियां थी हमने पांडव देवताओं के आशीर्वाद से पूरी कर ली है। तो देखिए दोस्तों एक बार खूबसूरत नजारा। अभी दोस्तों दिन के बज चुके हैं लगभग 12 और यहाँ से हमारा प्यारा गांव गमसाली दिखाई दे रहा है और हमारी एक्साइटमेंट और बढ़ चुकी है क्योंकि हम पहुँचने वाले हैं अपने गांव गमसाली और अभी सीधे पहुँचेंगे हम पांडव देवताओं के मंदिर। और जैसे ही हमारा गांव नज़दीक आता गया हमारे पाँव की स्पीड दुगनी होती गई। दोस्तों इस प्रकार से हमारी फुलारी की यात्रा पूरी होती है। और दोस्तों मंदिर में पांडव पशुओं द्वारा दोनों जगहों के फुलारियों के ब्रह्म कमल को इकट्ठा किया जाता है, उसकी माला बनाई जाती है। और अभी दोस्तों लगभग एक घंटे के बाद दिन के लगभग 2 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं पांडव मंचन पंडाल में यानी कि धर्माना में, जहां पर दोनों जगहों में फुलारी जाने वाले फुलारियों की एक बार टीका लगाया जाता है और फिर दोस्तों पांडव पशुओं के साथ मिलकर हमें पांडव मंदिर जाना पड़ता है जहां पर ब्रह्म कमल की मालाएँ बनाई रहती है और उन मालाओं को साथ में मिलकर धर्माना में लाया जाता है।
चलो तो दोस्तों, ब्रह्म कमल की माला पांडव देवताओं को अर्पित करने के बाद एक और पांडव नृत्य शुरू हो चलता है। वहीं दूसरी ओर महाबली भीम और जंटा भगवान गांव के भ्रमण पे चलते हैं और प्रत्येक परिवार के आंगन में जाके उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और एक ब्रह्म कमल का पुष्प भेंट करते हैं। और दोस्तों, निवासियों द्वारा धूप बत्ती की जाती है और आरती उतारी जाती है और साथ में घी, तेल, चावल आदि खाद्य पदार्थ भेंट स्वरूप प्रदान की जाती है। Hello, Nanda Ji.
पांडव देवता भीमसेन के बाद जंटा देवता भी घर घर जाकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं और एक ब्रह्म कमल का पुष्प अपनी ओर से भेंट करते हैं और प्रणव ग्रामवासियों के द्वारा भेंट स्वरूप चावल आटा और दोस्तों इस पल का मैं भी साथ ही रहा जब भेंट खुद किया जाता है। पांडव देवता भीमसेन और जंटा देवता मेरे आंगन में आए और अपना आशीर्वचन मुझे प्रदान किया। तो दोस्तों इसी के साथ दीजिए इजाज़त अपने होस्ट एंड दोस्त रोंगपा बरो को। आशा है आपको मेरी ये फुलारी की कहानी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टाटा एंड गुड बाय।